हे मम्मी, अभी मैंने पूरे किचन में पोछा मारा था और आप गंदे जूतों के साथ अंदर आ गई। नहीं तो और क्या, मैं जूते अपने सर पर रख के जाती तो आप मुझे बाहर से बता देती जो भी काम था मैं आपके लिए कर देती। आपने पूरा किचन फिर से गंदा कर दिया। तुम कहीं मेरा काम तमाम ही ना कर देती। एक दूध उबालने को कहा था तुम्हें मैंने। अरे तो दूध फ्रिज से निकाल के रखा है ना मैंने चूल्हे के ऊपर। अच्छा, दूध में तुमने सौंफ डाली, उससे दूध का भारीपन जरा खत्म हो जाता है। वो देखिए, सौंफ, हल्दी, जीरा सब पड़ा है, आप अपनी मर्जी से दूध में डाल दें। मैंने तुम्हें दूध उबालने को कहा था, हंडिया बनाने को नहीं। जब तुम्हें पता है कि मुझे रोज रात को दूध पी के सोने की आदत है तो फिर देर क्यों लगाती हो? अम्मी, मुझे 100 और काम करने होते हैं दूध उबालने के अलावा, भूल जाती हूँ मैं। बस बहुत तोता चश्मो तुम, शहजाद के सामने तो अच्छी अम्मी, प्यारी अम्मी, मेरी अम्मी करते तुम्हारी जुबान नहीं सूखती। जैसे ही मेरा बेटा घर से बाहर निकला तुम आंखें माथे पे रख लेती हो। हाय अल्लाह, कोई एक काम ढंग से करना आता है तुम्हें, सारा दूध उबल के चूल्हे पे गिर गया। अब मैं क्या पीऊंगी, तुम्हारा लहू? लहू तो आप मेरा सुबह शाम 24 घंटे पीती रहती हैं। मुझे लगता है आपकी पसंदीदा ड्रिंक यही है। मेरे साथ ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, हाथ चलाओ हाथ। ये चूल्हा साफ करो जिसपे दूध गिरा है, बर्तन दो और उसके बाद जो बाकी बच गया है वो लेके ना मेरे कमरे में आ जाओ। एक काम ढंग से नहीं करना आता। हानिया, सोच भी नहीं सकती थी मेरी झोली वो खुशियों से भर जाएगी। बिल्कुल मायूस हो गई थी मैं। हानिया से जुदाई के बारे में सोचती थी तो यूं लगता था जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। अब कैसे है तुम्हारी धड़कन? धड़कन के साथ हानियाल का नाम धड़क रहा है। तुमने देखा रिंग कितनी खूबसूरत है? बहुत प्यारी है, हमारे हाथ में और भी प्यारी लग रही है। उठते दम तक मैं इस रिंग को खुद से जुदा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम बहुत लकी हो, जैसे चाहो उसे पा भी नहीं। हानिया, तुम्हारे लिए भी मेरी दुआ है, तुम जिसे चाहो वही तुम्हारा नसीब बन जाए। ये दुआ तुम मुझे मत, चाहती हूँ तुम हमेशा आबाद रहो। कितनी मीसली हो तुम वैसे, अम्मी अब्बू के साथ मिलके मुझे और आलिया को सताती रही। अचानक मिलने वाली खुशी हमेशा याद रहती है, इसलिए थोड़ा सा तंग किया तुम दोनों को। और फरीद अंकल, तुम्हारे सगे ताए हैं, मैं तो सुनकर हैरान रह गई, यकीन ही नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था। और तुम उन्हें अंकल मत कहा करो, तुम्हारे अब्बू हैं अब। हाँ,